नमस्ते दोस्तों, मैं सिखा सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का जेनिथ क्लासेस के इस मॉर्निंग मोटिवेशनल सीरीज़ में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है नज़रिया, कि कैसे सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के नज़रिए पर डिपेंड करता है, कि कैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसे समझते हैं और क्या उसके बारे में सोचते हैं। चीज़ें एक ही सी होती है, घटनाएं एक सी ही घटती हैं, फिर भी दो लोगों के लिए उनका मतलब अलग अलग होता है। इसमें अगर कुछ अंतर होता है तो सिर्फ और सिर्फ उनके नज़रिए में होता है। इस बात को मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए इसी तरह रोज़ एक वीडियो लाती रहूं। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों ही अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। तो वो एक दिन ये कहकर ऑफिस से जल्दी से निकल जाते हैं कि आज उनकी एनिवर्सरी है और उन्हें एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। दोनों घर पहुँचते हैं तो घर पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि घर में लाइट नहीं है। तो हस्बैंड बोलता है कि चलो कहीं बाहर चलकर डिनर करा जाए। तो वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी कार खराब है, तो वो दोनों पैदल ही रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर तक चलने के बाद उन्हें रेस्टोरेंट मिलता है। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद उन्हें पता लगता है कि रेस्टोरेंट बंद है और वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद हस्बैंड खाना बनाता है और उसके बाद वो दोनों बहुत ही अच्छी कैंडल लाइट डिनर करते हैं। इस तरीके से उनका दिन समाप्त होता है। अगली सुबह वो दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। हस्बैंड के ऑफिस में उसका दोस्त उससे पूछता है कि एनिवर्सरी कैसी रही। तो हस्बैंड बोलता है, इट वॉज अमेजिंग यार, क्या बताऊँ, इतनी अच्छी थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे पहले हम लोग घर पहुँचे तो देखा कि घर में लाइट नहीं है, तो हम लोगों ने बाहर खाना खाने का प्लान बनाया। जनरली वो बाहर खाना खाना अवॉइड करती है, फिजूल खर्च क्या करना। उसके बाद हम सीढ़ियों से नीचे उतरे तो देखा गाड़ी ख़राब है, तो हम बहुत दूर तक एक साथ चलकर पैदल ही गए। पिछले 15 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा था जब हम एक दूसरे के साथ इतनी दूर तक चलकर गए थे। रेस्टोरेंट पहुँचे तो देखा रेस्टोरेंट बंद है, फिर हम दोनों घर वापस आ गए। घर पहुँचने के बाद मैंने उसके लिए खाना बनाया और फिर हम दोनों ने कैंडल लाइट डिनर किया। ये सब कुछ बहुत ही अच्छा था। दूसरी तरफ वाइफ को उसकी ऑफिस में उसकी फ्रेंड ने पूछा कि एनिवर्सरी पार्टी कैसी रही, तो वाइफ ने बहुत ही उदास मन से बोला, कुछ भी अच्छा नहीं था यार, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। पहले हम घर पहुँचे तो घर में देखा कि लाइट नहीं है, फिर हम लोगों ने बाहर खाना खाने का प्लान किया तो नीचे उतरे तो देखे गाड़ी ख़राब है। उसके बाद फिर हमें काफ़ी दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ा और जब हम रेस्टोरेंट पहुँचे तो देखा कि रेस्टोरेंट भी बंद है। उसके बाद हम घर वापस आए तो पति के हाथों का बोरिंग खाना खाना पड़ा। सब कुछ बहुत ही बेकार था, पूरा मूड ख़राब हो गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि दोनों के लिए घटनाएं एक ही थीं, लेकिन हस्बैंड के लिए वो घटना बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुखद थी, लेकिन वहीं वाइफ के लिए ये घटना बहुत ही बुरी थी, उसके लिए उसका दुख का कारण थी। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आया, यहाँ पे डिफरेंस दोनों के नज़रिए में है। यही बातें हमारी ज़िंदगी में भी होती है, किसी के लिए एक ही चीज़ सुख का कारण लेकर आती है और किसी दूसरे के लिए वो दुख का कारण बनती है। अगर किसी चीज़ में अंतर है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है। इसलिए हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने नज़रिए पे काम करना है। अगर हम बुरी चीज़ों को भी अच्छे नज़रिए से देखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और कहा भी गया है कि नज़रें बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी काफ़ी सारे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।